हाँ हाँ तुरंत भैया, ऑलरेडी 5 मिनट बिहाइंड चल रहे। सो हेलो एंड वेलकम एंड रादर देन द गुड इवनिंग इट इज़ अ गुड नून। तो आज इस आफ्टरनून में हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे कल के ही ईडीएम्स के केसेस। पहली पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई थी कल टेलीग्राम चैनल पे, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, 25 दिन एनडीए इन, ये नाम है आपके ग्रुप का, जाके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अपनी पीडीएफ और सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा बहुत आराम से। ना कल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई वाज वेरी हैप्पी कि बहुत से बच्चों ने जो कमेंट लिखा उससे यही फीडबैक मिलता है कि हाँ इस तरह से ज़्यादा आसानी से समझ में आया है बजाय लंबे लंबे सेंटेंसेस के और ढेर सारी लिस्टिंग के, और उसके बाद सब कुछ दिमाग से उड़ जाता है। जबकि जब हमारे सामने पिक्चर्स होती हैं, एक स्टोरी की तरह चीज़ें लेके हम लोग चलते हैं, तो चीज़ें आसानी से लर्न हो पाती। तो इट्स अ वेरी गुड वे कि एटलीस्ट इस निमोनिक से या किसी ना किसी तरीके से आप लोग अपने idioms को कम से कम लर्न कर सकते हैं। ये वो idioms हैं जिसका पैटर्न यूपीएससी भी लेके चलता है। बस क्या है कि वहां पे तुम्हें पिक्चर नहीं मिलेगी, तुम्हें मिलेगा एक सेंटेंस और तुम्हें मिलेंगे 4 ऑप्शंस जहां से तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। एक पीडीएफ वो भी शेयर कर दिया जाएगा जहां से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इनको लर्न करिए, उसके बाद उस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे ही जैसे आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। नाउ कल की पीडीएफ में एक सेक्शन बचा रह गया था, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल ये वाली पीडीएफ थी, इफ यू ऑल रिमेंबर, ये पीडीएफ शेयर करी गई थी, तो हम लोगों ने ये किया था लास्ट में, ठीक, प्लेड बाय ईयर्स, ऑल ईयर्स, लैंड एंड ईयर एंड द वर्ल्ड्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। वहीं से कंटिन्यू आज करते हैं अपनी कहानी और इसी पीडीएफ के लास्ट सेक्शन पे चलते हैं। चलिए जी, तो लेट्स क्विकली सी हाउ मेनी पीपल आर हियर, कितने लोग दिख रहे हैं मुझे। जितने लोग आ गए हैं फटाफट शेयर कर दीजिए सेशन को, कॉल ऑल योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज आज टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है। 11 बजे कहा था लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 12 बजे स्टार्ट हुई। मॉर्निंग में बीबीआर का मैथ्स का भी सेशन था, तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, भैया जाइए ज्वाइन करिए और सेशन देखिए। बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जो चीज़ें कई बार हमें लगता है हाँ आती है लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से हो सकती थी, या जो बिल्कुल नहीं आती है वो हम आराम से कर सकते हैं। चलो जी, द नेक्स्ट इज, और rather वही देखो, ये सेम पीडीएफ अभी चल रही है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ माइंड के ऊपर जब idiom हम बात करते हैं, तो कल हम लोगों ने दिल की बात की थी, कानों की बात कर ली थी, बॉडी के बहुत से पार्ट्स की बात की थी, आँखों आँखों की सबकी बात कर ली थी, शोल्डर्स की बात की, हैंड्स की बात की। अब यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रेन है वही काम आता है। एग्जाम देने जाओगे ना तो यही लेके जाओगे, यहाँ से कोई काम नहीं बनेगा। एक्ट वंस एज टू बी मेच्योर नॉट चाइल्डिश। तो जब आप बड़ों के बगल में बैठते हैं तो बड़े आप लोगों को भगा देते हैं, बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे नहीं, हट जाओ। और उसके बाद जब तुमसे काम करवाना होता है तो मम्मी अरे कब बड़े हो गए, स्टार्ट एक्टिंग योर एज, अपनी उम्र के मुताबिक तो कम से कम काम करो, बच्चे बने रहते हैं जब देखो तब रोना धोना। तो ये एक ऐसा डायलॉग है जो आप लोगों को यानी टीनएजर्स को दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ रहा होता है, बड़े बनने की कोशिश करो तो अच्छा ज़्यादा ही बड़े बन रहे हैं, और अगर बचपना दिखाओ तो पता नहीं कब बचपना जाएगा, पता नहीं कब बड़ा होगा, पता नहीं कब जिम्मेदारी समझेगा। तो ये एक प्रॉब्लम एक्ट वंस एज हर एक के पास लगी रहती है। एंड एक्ट वंस एज का बेसिकली मतलब है कि भैया अब तो बड़े हो जाओ। एंड एयर रेज, एंग्री बिहेवियर इनसाइड एन एयरप्लेन, ये याद रखिएगा, कुछ केसेस ऐसे हैं जो आप लोगों के एनडीए में शायद कभी भी नहीं आएंगे, और ये वन ऑफ दोज केसेस है। एयरप्लेन के अंदर जब हम एंग्री बिहेवियर, और इसीलिए शायद नाम है एयर रेज। अब रेज हम लोगों को सबको पता है, रेज क्या होता है, रेज होता है गुस्सा, एंगर, और एयर एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के अंदर गुस्सा, अब एरोप्लेन में बैठ के भैया फालतू का गुस्सा दिखाना, टशन मारना बेचारी उन्हें होस्टेस पे, बेवकूफ़ी का काम है वैसे।
ब्लो वन स्टैक, टू लूज वन टेंपर एंड एक्सप्लोड इन एंगर. तो आपने स्टैक लगा रखा है, ठीक. स्टैक होता है कोई भी चीजों को एक के ऊपर एक करके लगाना. यहाँ पे बुक्स दिखी रही हैं. मम्मी कहती ना, अरे भाई तह करके कपड़े ठीक से अलमारी में सेट करके लगा दो, उसे भी हम स्टैक कहते हैं. तो स्टैक ऑफ बुक्स हो सकता है, स्टैक ऑफ क्लोथ्स हो सकता है, स्टैक ऑफ एनीथिंग. ठीक, सबको एक के ऊपर एक लगाया और उसके बाद इतना गुस्सा आया. वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, सब चीज़ अच्छे से टेबल पे सेट लगी, आया आदमी ठ्यू, एक बार हाथ मारा, साफ फेंक दिया. यही होता है ब्लो वन स्टैक. ब्लो मतलब उड़ा देना. तो कोई चीज़ उड़ाई क्यों जाएगी? जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो ये काम होता है. ठीक, सब चीज़ सेट है फिर भी उठा के फेंक देना, दिस इज ब्लो वन स्टैक. जय हिंद बच्चे, जय हिंद एवरीबॉडी. यस तानिया, वेरी गुड. बूढ़े हो गए हैं, अक्ल नहीं आ रही. तुम्हारी उम्र में तो हम ये करते थे, वो करते थे. हमने तो किला फतेह कर लिया था, हमने तो क्या कहें, भारत को स्वतंत्र करा दिया था अकेले अपने बूते जाके. तो ये डायलॉग ना हर उम्र का बच्चा सुन के आता. आई कैन रिलेट विद यू. चक अ वॉबली टू एक्ट इन एन इमोशनल वे. ये खास तौर पे गर्ल्स के ऊपर रहता है. ठीक, वॉबली यानी जो हिलता डुलता रहता है. ठीक, तो कई बार लड़कियों को देखा होगा आँखों में, मतलब आंसू बह नहीं रहा, ये नहीं कि रो रहे हैं, आँखों में आंसू डब डब आ रहा है, बिल्कुल बस गिरने ही वाला है. ठीक, सामने से अगर पापा ने, देखो लड़कों का क्या होता है, अभी मारे गए, पीटे गए, कूटे गए, थोड़ी देर बाद फिर आ रहे होंगे झाक, पापा गए, हाँ चले गए ऑफिस, अच्छा मम्मी अब तो खाने को दो. कोई कोई फर्क ही नहीं है भाई, चिकना खड़ा होते हैं लड़के हमारे और लड़कियां. अगर ऊंची आवाज में पापा ने मम्मी ने कुछ कह भी दिया, भैया ने, दादी ने, घर में किसी ने, ये मोटी मोटी आंखें सुजा के, हाँ आंखों बिल्कुल आंसू भर के, ठीक है, हाँ ठीक है, फिर सब हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ पूछे भी, खाना नहीं खाएंगी, पीना नहीं, कुछ नहीं. चक अ वॉबली टू एक्ट इन अ वेरी वेरी इमोशनल वे. एंड ये फोर्टे हमारी सुकन्याओं के पास कन्फर्म रहता है. इसको थोड़ा खत्म करो. एक्ट योर एज, थोड़ा मच्योर हो जाओ लड़कियों. फ्लाई ऑफ द हैंडल. अचानक जब गुस्सा आ जाता है कभी कभी किसी चीज़ पे, और ये एक ऐसा केस है जो सबके साथ कभी ना कभी होता ही होता है, सामने से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप रिएक्ट कर जाते हैं, उसे कहते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल. कि भैया हैंडल पकड़े हुए थे, अचानक उड़ गया सब छोड़ के, यानी बहुत गुस्सा आना और वो अचानक आना, सडन केस है. ड्रॉ अ ब्लैंक, अनेबल टू रिमेंबर एनीथिंग. यही होता है, यही होता है एग्जाम में हमारे. यार क्या था, बताया तो था मैम ने, ये ड्रॉ अ ब्लैंक, अच्छा ब्लैंक बनाना होगा, कुछ ड्रॉ करना है. इंडिया में ड्राइंग तो आती नहीं है, निफ्ट का पेपर नहीं था क्या? योर माइंड ड्रॉज अ ब्लैंक, आंसर ब्लैंक हो जाता है, कुछ दिमाग में नहीं घुसता है, सब कुछ भूल जाना. और ये तुम्हारे सीरियल, हमारी शी 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 एकता माँ के सीरियल में बहुत ज़्यादा होता है. आदमी उठता है उसके बाद, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, दे ड्रॉ अ ब्लैंक. ठीक, ये मोस्ट कॉमन केस हमारे सीरियल का. और तुम लोगों के केस में जब एग्जाम होता है, ऑन द फेंस, अनडिसाइडेड बिटवीन टू चॉइसेस, फेंस पे बैठे, अच्छा इधर जाएं कि इधर जाएं, क्या करें, एनडीए कर लें कि जेई कर लें, बारहवीं का पेपर भी देना है, बीएससी भी है, कि एनडीए करें. दिस इज सिटिंग ऑन द फेंस. जब हम कहीं डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें इधर का रास्ता पकड़ना है कि इधर का. कल भी देखिए कई बच्चे, माँ हमारा बीएससी का पेपर है, किसी का ट्वेल्थ का पेपर है, किसी का एसएसबी लगा हुआ है टीईएस एंट्री का, क्या करें, अनडिसाइडेड है सब. ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब ऑन द गो, इसको ऑन द गो भी कभी कभी बोला जा सकता है. रेड अलर्ट, गेट सेट गो, बस फुल रेडी अलर्ट कॉम्पिटेंट. ऑफ वंस रॉकर्स, ऑफ वंस रॉकर्स. देखो यहाँ पे बनी हुई है एक सुकन्या, सुंदर लड़की की फोटो, फटे कटे सी जीन्स पहनी हुई है, जैसे तुम लोग पहनते हो, और माँ चिल्ला रही होती, क्या पागल हो गई हो, 2500 की जीन्स फटी, अरे लाओ तुम्हारे पुराने कपड़े, हम खुदे फाड़ देते हैं, कौन सा पागलपन है. ऑफ योर रॉकर्स यानी तुम्हारा जो दिमाग है अंदर, हाइपोथैलेमस, ये वो मेड्यूला सब कुछ, वो जा चुका, उड़ चुका है दिमाग तुम्हारा, तुम हो गए हो पागल, और इसी को कहते हैं ऑफ द रॉकर्स.
अरे वेरी गुड आकाश, भगा दिया है, अब इंतकाम दिखेगा तुम्हारा। देखो इंतकाम तब दिखेगा जब आप कुछ बन जाएंगे, ठीक, फिर वो तुम्हें वर्दी में देखे, मज़ा तब आएगा। वो कहे अरे यार व्हाट डिड आई मिस इन माय लाइफ। चलिए जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। Not a spring chicken. Spring होता है जब सब कुछ नया होता है। तो जब हम लोग, अब people like us, ठीक, जैसे aunties, कल हम लोग आंटियों की बात कर रहे थे कि भाई चलिए लड़कियां पहन के आती हैं, इतनी ठंड में कुछ भी चल जाता है, पर आंटियां 40-50 साल की आंटियां, मेरी उम्र की औरतें, ठीक भैया, सिर्फ एक साड़ी ब्लाउज पहने हुए, ठीक, डीप नेक के या कैसे भी कपड़े आराम से पहने हुए, ना तो स्वेटर पहने, ना शॉल है, ना कोट है, ना कार्डिगन है, इतनी भद्दड़ जाड़े में चली आ रही पार्टी में। उन्हें याद दिलाओ, आंटी जी नॉट अ स्प्रिंग चिकन एनी मोर, अभी अभी नहीं पैदा हुए हैं भैया, नो लॉन्गर यंग। आंटी मानती नहीं है, ठीक, कि ना ना मुझे तो पहली चीज़ आंटी मत, दीदी बोलना, बच्चों को भी बता रही होती हैं, दीदी बोलना, दीदी आंटी आंटी मत किया करो। उन्हें बताने की बहुत ज़रूरत है, नॉट अ स्प्रिंग चिकन, यू आर नो लॉन्गर यंग आंटी जी, ऑल फॉर कोट एंड नो निकर्स, यानी सब ऊपरी दिखावा है, टिटम्बा है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टिव, सुपरफिशियली फिजिकली अट्रैक्टिव, पर दिल ना बहुत काला है। एंड लड़के तुम लोग तुरंत रिलेट कर लोगे, हुँ? अच्छी सुंदर लड़की, लेकिन कई बार जो ऊपर से देखने में बहुत सुंदर होती है, दिल की वो कोई बहुत सुंदर नहीं हो सकती है। तो सब भी सुशील सुसंस्कृत कन्या चाहिए होती है जीवन साथी बनने के लिए, सिर्फ इतनी सी शक्ल देख के कभी शादी नहीं करनी चाहिए। एंड ब्यूटी इज इसी से कनेक्टेड है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर किसी को जज नहीं किया जा सकता। और इसको ये भी कहते हैं डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि ऊपर से देखने में तो बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर अंदर से आदमी कैसा है ये कभी पता नहीं लगता सिर्फ उसकी शक्ल देख के। हो सकता है जो बहुत बदसूरत हो देखने में, सुपरफिशियली सामने से, वो दिल का बहुत अच्छा हो। तो ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, स्किन पे बस देखता है, वो फेयर एंड लवली वाले एड में दिखाते हैं गोरी हो गई लड़की तो अच्छी हो गई लड़की, ये कहाँ लिखा है गोरी लड़की अच्छी लड़की, या ऑल फॉर कोट एंड नो निकर्स, तो सिर्फ ऊपरी दिखावा। क्लीन अप नाइसली, लुक गुड व्हेन वन इज ड्रेस्ड अप। एंड अगेन जितने ब्यूटी पार्लर हैं इस दुनिया में ये इसी पे चल रहे हैं, क्लीन अप नाइसली। मैंने ना कटरीना कैफ जैसा दिखना है वैसा बनाइएगा दीदी। अब दीदी अरे कटरीना कैफ, अनुष्का, ये वो, देखना दीपिका कटरीना अनुष्का का मिक्सचर दिखोगी तुम, बहुत गंदा मिक्सचर वैसे बनने वाला है, लेकिन क्लीन अप नाइसली। वो लोग कैसी भी शक्ल को ना बहुत अच्छा बना देते हैं फाइनली। ये कार्यक्रम होता है हमारे महान ब्यूटी पार्लर्स का। एंड डेड रिंगर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, कई लोग बहुत सिमिलर होते हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा, जुड़वा की कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। डेड रिंगर इज एनी टू डिफरेंट पीपल या टू डिफरेंट थिंग्स जो बहुत एक जैसे हों, ठीक। तो यहाँ पे प्लीज डू नॉट अज्यूम कि हम सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं या ट्विंस की बात कर रहे हैं। इट्स अ डेड रिंगर, इट इज सिंपली सिमिलर इन अपीयरेंस। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, नेवर बी डिसीव्ड बाय एनीबॉडीज लुक। द बेस्ट लुकिंग पीपल इन द वर्ल्ड मे बी द वर्स्ट, दुनिया के सबसे अच्छे दिखने वाले लोग ना खराब हो सकते हैं, और जो सबसे खराब दिखता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। लुक से कभी भी नहीं डिसीव होंगे। She is a knockout, भाई साहब क्या लड़की है, extremely beautiful woman. She is a knockout. So Sushmita Sen is a knockout. Put one's face on. लगाओ भैया लगाओ पाउडर क्रीम ये वो सब पोत लो। अकेले अगर हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो अकेले आँखों पे ना आधे से ज़्यादा टिका है, पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है आँखों पे। तो अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स इज पुट वन्स फेस ऑन। वैसे आजकल मैंने देखा लड़के भी लगा रहे हैं, जेल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, पता नहीं पार्लर जाके क्या कर रहे हैं लड़के। All dressed up and nowhere to go. So prepared for an event that never occurred. ये वही हाल होता है बेटा जब तुम तैयार व्यार होके जाते हो, ठीक, यार आज ना सेट है सब, हाँ आज तो आएगी ही आएगी,
पार्टी में वही नहीं आती। तो तुम्हारे दोस्त ने सबने मिलके पार्टी वार्टी थ्रो की, ये होता है भाई सब लोग आएंगे, आप सिर्फ एक के लिए तैयार होके जाते हैं। अच्छा शी इज़ कमिंग आज ना बहुत अच्छे से, तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम लगने वाला है। फ़ायदा कुछ ना निकला, अगला तो आया नहीं, तुम लगते रहो हैंडसम कोने में बैठे। हाँ भाई यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई सबको? यस आप में से कई लोगों को देखो जो चीज़ें हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने प्रिंट मीडिया पे देखते हैं, ठीक, सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कोई भी आपका मीडिया सेगमेंट होता है वो उसी तरह की चीज़ें आपको सामने देने लगता है, वो चाहे आपका यूट्यूब हो चाहे इंस्टा हो। अगर आपने तीन चार दो भी, ठीक, फूड वाले जैसे मेरे उस पर इंस्टा पे, मेरे इस पर यूट्यूब पे, आई डू फॉलो अ कपल ऑफ फूड पीपल, ठीक, जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं, जो फूड के बारे में खाना वाना बनाना एंड ऑल दैट। तो इफ़ यू ओपन अप तो आपको मेरे इंस्टा पेजेस पे बहुत ढेर सारे फूड वाले, पेट्स वाले मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज पीपल नो कि हाँ भाई इसमें इंटरेस्टेड है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। यस आकाश ब्राइड, देखो इंडियन ब्राइड स्पेशली अगर हम बात करें, दे पुट वन्स फेस ऑन। सुबह जब मुंह धुलता है पति इज लाइक बहन जी हु आर यू डूइंग इन हियर इन दिस रूम, डर जाता है बेचारा कभी कभी, है बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होता है। चलो अंशुमन हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तो तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, आज तो पार्टी वार्टी होगी बेटा, तैयार यार होके जाओ, और पता चला सामने वाला ना आए कोई फायदा ना निकलेगा, इसलिए चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लेना। यश प्यासी कविताज किचन इज अ वेरी गुड चैनल एंड शी रियली गिव्स यू क्विक टिप्स टू कुक नाइस थिंग्स। चलो बी हेड ओवर हील्स, ये वही हाल होता है जो तुम लोगों का हो जाता है, उसके बाद मुंह पिटा के चले आते हो एग्जाम में, है चलो अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। बी हेड ओवर हील्स, बिल्कुल प्यार में पागल हो जाना, यानी सर के बल खड़े हो जाना, बिल्कुल कुत्ते की तरह नाचना, इन शॉर्ट फॉल इन लव विथ। तो भाई जब ऑब्वियस सी चीज़ है, ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ सोचना समझना नहीं तुम्हें। हुक लाइन एंड सिंकर, तो पहले ये सब हो जाता है, यू फॉल इन लव विथ, फिर बिल्कुल हेड ओवर हील्स हो जाते हो, प्यार में पागल हो जाते हो, फिर होता है ये कार्यक्रम। डिसीव्ड आया हुआ है आपका वर्ड विच मीन्स धोखा। तो बेटा प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले अभी मौका है, तभी तुम्हारा कुछ भला होगा, वरना तो तुम गए काम से। हुक लाइन एंड सिंकर, तो जो हुक होता है यहाँ पे हम लोग उस लाइन की बात करें जो फिशिंग लाइन होती है, तो फिशिंग लाइन तुम तो मछली पकड़ रहे थे, हाँ जाल फेंका जा रहा था मछली पकड़ रहे थे, तुम्हारा हुक भी डूब गया, वो जो लाइन थी वो भी गए, तुम उसी के साथ डूब गए, पूर्णतः डूब गए, तुम्हें तो बचाने वाला भी कोई नहीं है, किसी से कह भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, तुम्हें मिला ये विच इज हुक लाइन एंड सिंकर, यानी पूरी तरह माया जाल के साथ तुम डूब गए हो कहीं। ब्रेकअप तुम लोगों को सबको पता है, सबके जीवन में हो चुका है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। हैव द हॉट्स फॉर समबडी व्हेन यू फाइंड समवन रियली अट्रैक्टिव, ठीक, हैविंग अ क्रश, क्रश भी सबको पता है ये वही है। किस एंड मेकअप, मेक पीस आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, और भाई कई बार टिफ्स होते हैं, लवर्स टिफ उसको कहते हैं जब प्यार होता है धोखे से पहले, तो ये धोखे से पहले का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, उसके बाद किस एंड मेकअप, फिर आप मना वना लेते हैं, फिर आप अपना सब कुछ सेटल कर लेते हैं। लव रैट, समबडी हु चीट्स ऑन हिज और हर पार्टनर, तो एक तो होता है लवर और एक होता है लव रैट, क्योंकि चूहा जो होता है वो स्नीक करता है कभी इधर कभी उधर, तो भैया जो चीटर होता है अब तुम समझ लो उसको क्या कह सकते हो, ठीक। टाई द नॉट, ये करना चाहिए हम लोगों की तरह, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे बीबीआर को भी वैसे ये करना चाहिए, हम सलाह देंगे कि फाइनली ये सब बनने की जगह और इश्क में पागल होने की जगह या शुद्ध तरीके शादी कर लो, अच्छी लड़की ढूंढो शादी करो, अच्छा लड़का ढूंढो, सभ्य सुशील संस्कारी और शादी करिए। मेन स्क्वीज, कमिटेड रोमांटिक पार्टनर, ठीक, ये मिलना बहुत मुश्किल है, ये मिलना बहुत आसान है, ठीक, तो यही करिएगा, बिल्कुल माँ की नेक सलाह है तुम लोगों को। यस तानिया, दिस इज धोखेबाज, हाँ द चूहा इज द धोखेबाज, क्यों बेचारा चूहा बदनाम है ये मुझे नहीं पता, फिलहाल है।
तो एवरीबॉडी एडवाइस्ड ठीक बाय माँ कि बेटा शादी करना सीधे है तो मामला सेट रहेगा तुम लोगों का. टू प्ले अच्छा टाई द नॉट नहीं करना चाहिए है, ये तुम्हें किसने सलाह दी अपनी महान. कोई बात नहीं आदित्य, देखो 29 फेब को जिनका बर्थडे होता है ना वो लोग बाय डिफॉल्ट वेरी वेरी इंटेलिजेंट होते हैं. मैं डैड का भी है भाई तो आई नो वेरी जेन्युइन वेरी इंटेलिजेंट एंड एन एक्सट्रीमली अमेजिंग पर्सन. तो 29 फरवरी को पैदा होने वाले लोग यानी लीप ईयर वाले होते हैं बहुत अमेजिंग. तो बिल्कुल चिंता मत करो. तरुण न्यू ऑनलाइन बैच बेटा लॉन्च हो जाएगा. आप लोगों को उसका पूरा देखो ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बाकी आप लोग कॉल करके हम लोग नियरली 15th या 25 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है ये एक नॉर्मल है. चूहे कपड़े काट जाते हैं. यस बेटा आई नो ठीक, क्योंकि वो बहुत दुष्ट होते हैं. तो वैसे ही शायद इनको कंपेयर किया गया लवर से क्योंकि वो तुम्हारा दिल तुम्हारा प्यार काट जाते हैं. हाँ वो तुम लोग बोलते तो कट गया बेचारे का द सेम. टू प्ले सेकंड फिडल तो तुम्हारा दोस्त तो जा रहा है, उसकी तो डेट वेट है वो तो मिल रहा है बंदी से, तुम लटक के साथ में जाते हो प्लेइंग सेकंड फिडल. ठीक उसके बाद तुम भाई तुम हट चिप्स ला दो. अब तुम चले जा रहे हो चिप्स लाने कोल्ड ड्रिंक लाने आइसक्रीम लाने. क्यों ही जाते हो भाई बेवकूफ़ कहीं के. टू प्ले सेकेंड फेडल टू समबडी प्ले सबऑर्डिनेट किसी के नीचे हाँ नौकर बनने रहने में ऑल दैट जैज सिमिलर थिंग्स सिमिलर क्वालिटीज एक्सेट्रा. नाउ जैज यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि जैज एक तरह का म्यूजिक होता है एंड जो चीज़ें उससे सिमिलर होती हैं उसको हम लोग ऑल दैट जैज कहते हैं. यानी सारी चीज़ें क्योंकि म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको ऑल दैट जैज कहा जाता है. तो अब ये idiom सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो जैज से रिलेटेड डांस भी होता है सिंगिंग भी होती है इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इसलिए कभी ये idiom यूज़ होता था म्यूजिक वर्ल्ड के लिए बट आज की डेट में ऑल दैट जैज का मतलब है सभी चीज़ें जो सिमिलर हों. एंड ब्लो योर ओन ट्रम्पेट. मालूम है मैंने ना आसमान में छेद किया था फिर उसमें से वर्षा हुई थी. और कई बार देखो मैं जानती हूँ आई नो हाँ क्योंकि हम भी करते हैं कि हम लोग खुद ही अपनी वाही मतलब खूब हाई फाई बातें बताना. जब हम पढ़ते थे तुम्हारी उम्र में तो हम लैंप के नीचे पढ़ रहे होते थे सूरज की रोशनी में चंदा मामा की रोशनी में आंखें फूटती थी फिर भी पढ़ते थे रात के 12-12 एक एक बजे तक पढ़ के सुबह 4 बजे उठ के चले जाते थे भोर में. भोर में वैसे स्कूल कौन सा खुल रहा था बिग क्वेश्चन. ठीक ये होता है जब हम लोग इम्फोसाइज करते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपने बच्चों के सामने. ये तुम लोग भी करते हो तुम लोग दूसरों के सामने लंबी लंबी फेंकना. माता पिता अपने बच्चों के सामने कई बार लंबी लंबी फेंक रहे हो तो देखो हम लोग भी करते हैं. ठीक आई ऑल्सो टेल माई किड्स देखो मैं जाती हूँ मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ मैं सारा दिन काम करती हूँ. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी ऑल से. चिन म्यूजिक मीनिंगलेस टॉक ठीक कुछ भी स्पीकिंग नथिंग ऑफ एनी सेंस वो होता है तुम्हारा चिन म्यूजिक. यानी जब आप लोग बातें करते हैं तो एक तो होता है कोई सेंसिबल बातें. आई हैव हर्ड किड्स टॉकिंग टू ईच अदर ठीक रात में जब लवर्स बातें करते बिकॉज आई स्टेड इन अ हॉस्टल. तो अब भाई बगल वाली बात कर रही है किसी से अपने बंदे से हाँ बताओ अच्छा ओहो हाँ हाँ नाना 4 घंटा ये हाँ हाँ नाना अच्छा ओहो जानू डार्लिंग क्या था कौन सी भाई तुमने दुनिया भर की कोई चीज़ जो है ना कल डिसाइड कर लेनी रात में. यही होता है जो तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो उसे बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहिए. एंड फेस द म्यूजिक. रात भर तो वहाँ बैठ के बातें करते रहे देन यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक. उसका जो रिजल्ट निकलेगा सुबह उठ नहीं पाएंगे क्लास में सो रहे होंगे पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी फेल होके बैठ जाएंगे फिर खाएंगे जूते. And music to my ears. जब आप आएंगे यहाँ ये बताने के लिए क्या हुआ क्या हो गया अच्छा हम करें कोई प्रॉब्लम. Music to my ears.
तो दिस विल बी म्यूजिक टू माय इयर्स जब आप लोग सेलेक्ट होके यहाँ आएंगे MGS फैमिली के पास ये बताने के लिए कि ये देखिए माँ हमारा रिकमेंडेशन लेटर, दैट इंफॉर्मेशन वो न्यूज होगी मेरे लिए म्यूजिक टू माय इयर्स. आई एम एक्सट्रीमली वेलकम एंड अ ग्रेट न्यूज. और ये न्यूज सारे लोगों के लिए म्यूजिक टू योर इयर्स होगी. एंड इट रिंग्स अ बेल. तो भाई कई कल ही जैसे एक बच्चे ने कि माँ आपको बहुत एक्सपीरियंस है. हाँ, व्हेन समथिंग सीन्स फैमिलियर. देखो हमारे ज़माने में भी बहुत कुछ होता था, अभी भी हो रहा और आगे भी होगा. इट रिंग्स अ बेल, इट इज़ फैमिलियर. हाँ, याद आता है ऐसा ही हुआ था. एंड सिंग अ डिफरेंट ट्यून. तो भैया अभी इलेक्शन हो रहे थे, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था. कुछ होते हैं थाली के बैगन, उन्होंने देखा ओहो आप जीत रही है, जिंदाबाद केजरीवाल, जिंदाबाद केजरीवाल, जिंदाबाद केजरीवाल. अब पंजाब से UP आए, ना आप तो हार रही है, बाकी भी हार रहे हैं, योगी जी जीत है, जिंदाबाद योगी जी, जिंदाबाद योगी जी. सिंग अ डिफरेंट ट्यून, चेंज योर ओपिनियन, तुरंत बदल देना थाली के बैगन. इन शॉर्ट ये कभी नहीं होना चाहिए. एंड फॉर अ सॉन्ग, बाइंग और सेलिंग समथिंग एट अ वेरी चीप प्राइस. कई बार मतलब बच्चे नहीं, कई बार बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, वो बहुत छोटी सी चीज़ पे मान जाते हैं, दैट इज़ फॉर अ सॉन्ग. तो बाइंग और सेलिंग एनी थिंग, यहाँ पे सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं, कन्विंसिंग एट अ वेरी चीप प्राइस, बहुत छोटी सी चीज़ पे मान जाना होता है फॉर अ सॉन्ग. यानी सिर्फ एक गाना गा के कोई आपको रिझा ले जाए, ये होता है सेलिंग समथिंग एट अ वेरी चीप प्राइस. वर्षा स्टार्ट हो गया था 12 o'clock पे बेटा. चलिए अरे वेरी गुड. हाँ महाकाल के तो सभी भक्त हैं. जहाँ एक सामने से मोहिनी आई उसके बाद महाकाल के भक्तों क्या ही हाल होता है. मंगल बाजार वाली तरुण बेटा 15 से 25 के बीच में ऑनलाइन बैच लॉन्च हो जाएगा बच्चा. चलो पीपल, अब यहाँ पे लोगों से रिलेटेड idioms है ब्लो अप, एक्सप्लोड. नाउ एक्सप्लोड अगर हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर एक्सप्लोड की बात कर रहे हैं तो ये एक्सप्लोजन एंगर या कोई इस तरह के नेगेटिव इमोशंस का होता है. तो ब्लो अप भाई दिमाग बिल्कुल उड़ गया है, ये होता है. तो ये होता है जब एक्सट्रीम एंगर या एक्सट्रीम इमोशंस हम लोग लेके चलते हैं. गो एप, एक्सप्रेस वाइल्ड एक्साइटमेंट और एंगर, बंदर की तरह व्यवहार करना, ये होता है गो एप. एप सबको मालूम है, एप इज अ बंदर. एंड गो बनानास, पागल हो जाना, इन शॉर्ट ठीक बिल्कुल पागल हो जाना इज गो बनानास. गो मेंटल, मेंटल सब लोग समझते हैं. गो नट्स का भी मतलब वही है, पागल हो जाना. ये सारे के सारे केसेस आपके पागल हो जाने या मेंटली अनस्टेबल की बात कर रहे हैं. हिट द रूफ, बिकम वेरी एंगरी, तो ये वाले केसेस आपके मेंटल अनस्टेबिलिटी और एंगर से रिलेट कर रहे हैं. देन पॉप वन स्कॉक टू गो ऑफ द डीप एंड, फ्लाई ऑफ द हैंडल. फ्लाई ऑफ द हैंडल अभी भी हम लोगों ने किया. सारे ही केसेस हैं कि जब हमारा गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है, जब किसी भी चीज़ के ऊपर हमने अपने इमोशंस को काफ़ी दबा के रखा. हाँ कुछ दिन चलता रहा. वन फाइनल डे एक ऐसा आता है जब लगता है बस सब पानी सर के ऊपर गुजर चुका है. एंड देन यू ब्लो अप, यू फ्लाई ऑफ द हैंडल, यू गो ऑफ ऑन द डीप एंड, या यू पॉप वन स्कॉक. ये आपके सारे एक्सट्रीम गुस्से को दर्शाते हैं. टू हैव अ चिप ऑन वन्स शोल्डर, आया हुआ केस भी है. टू बी कॉम्बैटिव, लड़ने को तैयार. कॉम्बैट का मतलब समझते हैं, कॉम्बैट इज बैटल. तो कॉम्बैटिव क्या हुआ कॉम्बैट से, कुछ लोग होते हैं ना बस ज़रा सा कुछ कह दीजिए तैयार हैं, खर्चा पानी लेके, हाँ भाई तुरंत बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये वही वाले लोग हैं.
एंड ऐड फ्यूल टू फायर. ये भी ऐसे लोग होते हैं जो आपके आसपास, तुम तो थोड़ा बहुत जो भी है, हो सकता है सामने वाला कोई शांत करा रहा हो, कुछ हैं जो आग में घी डाल रही है. यहाँ देखो आग में पेट्रोल डाल रही है. हमारे आसपास ये वही हैं शर्मा, जो रोहित शर्मा है, ठीक, उनके पापा, यानी शर्मा जी का बेटा है जो, ठीक. तो शर्मा जी का बेटा आता है आपके वहाँ, या वो जो शर्मा अंकल हैं वो आते हैं आपके वहाँ आग में घी डालने. वैसे ही मार्क्स कम आए हैं मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ठीक. काफ़ी बुरी स्थिति हो रही, पापा वैसे ही डांट रहे, ऊपर से वो मिठाई डिब्बा लेके. मेरा गप्पू ना तो 100 मार्क्स लाया पिताजी ने. अच्छा 100 लाया है किस में? नहीं, 100 मैथ्स में और 100 साइंस में, इंग्लिश में 1 मार्क कम रह गया, 98 है. पापा इज लाइक अच्छा बस. तुमने सोचा लो चलो एक लड्डू हम भी खा लें. पापा इज लाइक हाँ खा लो बेटा, लड्डू बात अभी बताते हैं तुम्हें और क्या क्या खाने को देंगे. आ जाते हैं आग में घी डालने. एड इंसल्ट टू इंजरी. तो ऑलरेडी इंसल्टेड बैठे ही हो, ऊपर से और इंजरी हो जाए, टू कंपाउंड द डिफीट विद ह्यूमिलिएशन और मौकरी. फिर पापा, फिर तो वो चले गए. उसके बाद पापा, हाँ हाँ तुम लड्डू खाओ, तुम कभी मौका मत देना हमें जीवन में, हम किसी घर जाएं मिठाई डिब्बा ले. ऐसा हो ही कैसे सकता है, पता नहीं किस कौन सा भाग्य फूटा था तो जो तुम जैसी निकृष्ट औलाद पैदा हुई. अरे इंसल्टेड तो बैठे ही थे ना, और इंजर करे दे रहे हैं. तो इन्होंने आग में घी डाला और ये फिर घाव के ऊपर नमक लगाए पड़े हैं. And I agree to disagree. Accept or set aside a disagreement. Simple सा है. I agree to disagree मतलब हम अभी भी disagree कर रहे हैं एक दूसरे से, और हमारा agreement एक ही पे हो सकता है कि भैया हम दोनों साथ नहीं रह सकते. And pick a fight. कुछ लोग जो जानबूझ के झगड़ा करने चले ही आते, छोटी सी छोटी बात पे लड़ने को तैयार, ready to pick a fight. Bad blood. Enmity or hatred that stems from something in the past. तो भैया ये वही है हमारे दादाजी के टाइम से चल रही है, अभी तक चल रही है और पता नहीं सदियों पुश्तों तक चलेगी. फिर आते हो तुम सीन में और तुम दुश्मन की बेटी से प्यार कर लेते हो, फिर पापा तुम्हारी वाही तबाही कर देते हैं या सामने के पापा कर देते हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा. डर्टी लुक. A facial manner that signifies disapproval. Look है यानी देखना, dirty look है तो यानी disapproval. ना on the war path तो भैया जब battle ground पे जा रहे हैं तो यानी गुस्से के साथ है और झगड़ा करने जा रहे हैं. Stab someone in the back. Stab का मतलब होता है खंजर भोंकना, ठीक. Stab in itself is भोंकना. तो खंजर भोंकना दूसरे के, ये वही वाले तुम्हारे दोस्त होते हैं जो तुमने यार मेरी वाली ने हमें ब्लॉक कर दिया, तुमसे मैसेज कर लो बेटा, वो तुम्हारे मैसेज करते करते ना उससे बातें करते करते अपनी सेटिंग कर लेते हैं. यही होता है, ये होता है रियल लाइफ में होता है. तुम उसके ऊपर भरोसा करके, भाई बात कर रही, भाई कुछ कह रही है, भाई तो भाई ले गया बंदी, तुम बैठे हुए हो स्टैब्ड इन द बैक, पीठ पीछे खंजर भोंका अगले ने तुम्हें. डच अंकल शर्मा जी, Highly critical person. अच्छा क्या कर रहे हो? या भाई तुम्हारे फूफा जी, मौसा जी, हाँ हाँ NDA की प्रिपरेशन जी छोड़ के कर रहे हो? हो बहुत गलत डिसीजन है बेटा, ये करना नहीं. फलाने थे ना, उन्होंने किया था, हुआ हुआ है कुछ नहीं. ये वही वाले लोग होते हैं, ठीक. फूफा मौसा किसी काम के नहीं. फ्रेंच लीव एब्सेंस विदाउट परमिशन. तो जब आप गोला मारते हैं, बंक मारते हैं क्लास से, ऑफिस से, उसे कहते हैं फ्रेंच लीव. बिना परमिशन के निकल लेना, बंक मारना. स्नोबॉल्स चांस इन हेल, यानी वंस इन अ ब्लू मून वाला चांस, यानी करीब करीब नो चांस एट ऑल. तो बेटा जो कॉलेज की फ्रेशर पार्टी की प्रिंसेस बनती है, तुम्हें लगता है चांस है तुम्हारा कोई? स्नोबॉल्स चांस इन हेल, ठीक, यही चांस हो सकता है. हाँ बेटा शुभ, हम समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं सब. हेमलता आई नो बेटा, फालतू लोग होते हैं, बट करा क्या जाए. टू डांस विद द डेविल. तो दुश्मन की बेटी से जो इश्क लड़ा रहे हो, यू डांसिंग विद द डेविल, यू नोइंगली डूइंग समथिंग इमोरल. तो पता है ना कि फलाने ठाकुरों के वहाँ से तुम्हारा कुछ होना हवाना नहीं, फिर भी चले जा रहे हैं वहाँ अपने को पिटने पिटाने, ठीक. पापा पीटेंगे, सामने वाले के पापा पीटेंगे, तुम्हें पता है, फिर भी यू आर रेडी टू डांस विद द डेविल. बी अ कोल्ड डे इन हेल, समथिंग दैट विल नेवर हैपन.
एक तो हेल में क्या होता है, हेल में मान के ये चला जाता है नरक में, हेल इज नरक, कि सब कुछ बहुत गर्म होगा, सब मार कढ़ाई वढ़ाई में तले वाले जा रहे होंगे, वहाँ पे कोल्ड डे हो जाए, हाँ कि कुछ ठंडक आ जाए, ऐसा होने नहीं वाला है। तो समथिंग दैट इज़ नॉट लाइकली टू हैपन। तो पापा से जब तुमने, नहीं मैं तो करना चाहता था शादी पापा, पापा इज लाइक ओ रियली आई एम सो इम्प्रेस्ड, इट्स अ कोल्ड डे इन हेल, होना तो है नहीं बेटा। Not have a prayer, have no chance of success. कि भैया आप तो दुआ दवा कुछ काम नहीं कर रही है, तो इससे बेहतर है tie the knot according to parents. माता पिता के अनुसार सब कुछ करिए तो सब कुछ अच्छा रहता है. Cow Hindus में एक sacred animal होता है. हाँ शुभ बेटा, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आज सब कुछ सत्य निकले, भगवान करे आज, कभी कभी होता है ना कि सरस्वती जी मुंह पे बैठती हैं, विराजती हैं, तो प्रभु तुम सबको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे, ऑल इंडिया रैंक वन ना सही लेकिन रैंकर्स की सूची में आप सबका भी नाम हो। तो काउ होता है एक सेक्रेड एनिमल हिंदूज का, एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट वन कैन नॉट क्रिटिसाइज। और ये वही शर्मा जी का लड़का है, बिल्कुल गाय है, देखिए आता है चुपचाप बैठ के पढ़ता है, मम्मी पापा की सब बातें सुनता है, कभी बाहर नहीं निकलता है, वीडियो गेम तो उसने देखा ही नहीं, उसे पता तक नहीं है कि क्या होता है बाहर, कभी मोहल्ले में कॉलोनी में खड़ा नहीं होता है, सड़क पे इधर उधर आवारा की तरह डोलता नहीं है, उसके 10,000 दोस्त नहीं है यहाँ वहाँ दुनिया भर में, बिल्कुल गाय छाप दंत मंजन, सेक्रेड काऊ है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, गोइंग टू हेल इन अ हैंड बास्केट। ये वही वाली बर्बादी होती है बेटा कि एक बार जब तुम चक्कर में आ गए, लफड़े में फंस गए, उसके बाद सीधे तुम हेल में, नरक में ही जाते हो। कभी कभी यार दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, भैया तुम जाओ पिटो, हम नहीं आ रहे तुम्हारे साथ में, and it's all Greek to me, it's unintelligible, impossible to understand. Englishers बच्चे आके फिर भी बताते हैं सब कुछ पढ़ाने के बाद, बेटा क्लियर मैम, इंग्लिश इज ऑल ग्रीक टू मी, इंग्लिश पढ़ा रही थी आप रियली, ये हाल होता है। तो बेटा पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो, यही सब काम आएगा एग्जाम में, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब मोह माया है। तो ये यहाँ तक ये क्लियर हुआ सबको, सेकेंड PDF। हाँ बेटा ये शर्मा जी के लड़के को खत्म करो, द ओनली प्रॉब्लम शर्मा जी का लड़का हमारे पास भी है। द ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद यू ऑल विवेक। देखो एज योर मेंटर, एज योर टीचर, एज योर मदर, वट एवर यू फील लाइक, हमारे साइड से, हमारी फैमिली से, MJ's फैमिली तुम्हें हमेशा दुआएं देगी कि हमारा हर बच्चा सेलेक्ट हो, बहुत अच्छे नंबर्स से पास हो, और अल्टीमेटली जब वो आए तो ये कहे कि हाँ भाई हमने पढ़ाई की और हमारा कुछ भला हुआ। ये होता है एफर्ट हमारे फैमिली के साइड से, हर टीचर यही कोशिश करता है, और ऐसा नहीं कि ये चलो हमारे साइड से, दुनिया का हर अध्यापक अध्यापिका, हर गुरु ये चाहता है कि उसका छात्र गुरु से भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़े। तो वो होता है जब होता है ना कि भाई गुरु का काम पूरा हुआ। बेटा बहुत से शर्मा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी, तो क्या किया जाए, ठीक उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। शर्मा जी का बेटा कुछ हो नहीं सकता, कांट हेल्प इट, हम सब के आसपास कोई ना कोई शर्मा वर्मा होता ही होता है लाइफ में, हमारी लाइफ को काफ़ी बर्बाद करता है। अब देखो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, सारे दुख दरिद्र कब खत्म हो जाएंगे, दुख के दिन बीत जाएंगे, अगर तुम इंफॉर्मेशन नॉलेज लिखाई पढ़ाई ठीक से कर लोगे, बिकॉज नॉलेज इज पावर। जब हम लोग बात करते हैं पावर की तो बहुत सी चीज़ों से हम पावर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, पैसा है, प्यार है, ये, बट अल्टीमेटली ज्ञान ही होता है असली पावर, नॉलेज इज पावर, द मोर समवन नोज द मोर इक्विप्ड दैट पर्सन इज, और ज्ञान अनलिमिटेड है, जितना आप लेते जाएंगे आप उतना बेटरमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ाते जाते हैं। पुल एंड ऑल नाइटर ये इंडिकेट करता है वो टाइम को जब सारी सारी रात जग के बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वी आर सपोज टू पुट एन ऑल नाइटर, पुल इसको पुल की जगह पुट भी लिख सकते हैं, पुट एन ऑल नाइटर, कि भैया अब तो हर हाल में दिन रात 24 घंटा लगाना हो पढ़ाई करनी, कैन मेक हेड्स एंड टेल्स ऑफ इट,
यार ये ए आंसर है कि बी आंसर है, कांट मेक हेड्स और टेल ऑफ इट, हेड्स आएगा टेल आएगा पता ही नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, कांट मेक हेड्स एंड टेल्स ऑफ इट एंड अंडर वंस बेल्ट सेफली और सैटिस्फैक्टरीली अचीव्ड। अब भैया ये हमारे पास आ गई है, हमारे पास सिक्योर हो गई है, वो होता है अंडर वंस बेल्ट। और बच्चों एक जरूरी सूचना है कि अभी एक टेलीग्राम चैनल फालतू जस्ट मुझे मालूम चला है बच्चे ने भेजा है, जहां पेपर लीक की खबर आ रही है, एनडीए का पेपर लीक की खबर आ रही है, जो कि एब्सोल्युटली बेवकूफ़ी है, फर्जी है, एकदम इलॉजिकल है। पर मैं जान रहा हूं इस चक्कर में बहुत लोग फंस सकते हैं क्योंकि शॉर्ट कट बहुत लोग अप्लाई करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली बैड, बहुत बहुत बुरी चीज़ है। और मैं लाइव करने का बिल्कुल प्लान नहीं था, बट ये है कि बस मैम को तुरंत लाइव, अभी 5-10 मिनट बाद मैम एक मैं छोटा सा लाइव करूँगा जहाँ बताऊँगा असलियत क्या है, ठीक है। प्लीज़ कहीं पैसा पे मत कर दीजिएगा, कोई सब यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पेपर लीक नहीं हो सकता, इन सब चीज़ों अफवाहों से दूर रहो। अभी बताऊँगा पूरी डिटेल क्या है, बहुत बुरा हाल है, खरीद मत लेना, बस मैं इसलिए जल्दी से दौड़ के लाइव में चला आया हूँ, ठीक है। मैं 10 मिनट के बाद बस ये मैम का लाइव खत्म होता है, मैं 1 बजे लाइव कर रहा हूँ, उसको देखना और लोगों तक शेयर करना उसको। बहुत बुरा मैम, पेपर लीक करना। अरे यार वही है ना, ये सब छोटे बच्चे हैं तो माफिया वाले ना एजुकेशन इंडस्ट्री। सो मतलब स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ अपने तक नहीं रखना बेटा, बाकी भी लोगों को अवेयर करना, ठीक। कि पेपर आपने सोचा भी कि आपने ले लिया तो जैसे अभी बीबीआर ने बताया पैसा वेस्ट हो जाएगा, माँ बाप बहुत मेहनत से, ठीक है माँ बाप थोड़ा आप लोगों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करते हैं, सब करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर फैमिली इज़ द ओनली पीपल हु विल स्टे विद यू, तो डोंट टेक दैट रिस्क, ठीक। उन लोगों के साथ ही मत, किसी के भी साथ ही मत होने देना। नाउ सेफली और सैटिस्फैक्टरीली अचीव्ड, जब तुम कुछ पा जाते हो, फाइनली मेहनत किया, ऑल नाइटर पुट किया, सब कुछ लगा दिया, एंड देन यू अचीव समथिंग, यू हैव इट अंडर योर बेल्ट, यानी अब वो तुम्हारी पॉकेट में है, इन योर पॉकेट्स भी सेम यही आता है। तो जब हमारे पास कुछ भी, और इन योर पॉकेट का मतलब पैसा नहीं, व्हेन यू अचीव समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड, तो भैया जब तुम्हें मिल जाएगा वहाँ कंधे पे सितारे, तो इट विल बी अंडर योर बेल्ट, इट विल बी अ फेदर इन द कैप, इट विल बी इन योर पॉकेट, नो समथिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, यानी सब कुछ तुम्हें परफेक्ट आता है, ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, और सब तरफ से पढ़ लो, यानी तुम एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, एंड पिक हिज ब्रेन्स टू ऑब्टेन आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन, यू आर अलाउड टू पिक माई ब्रेन, यू आर अलाउड टू पिक बीबीआर ब्रेन, यू आर अलाउड टू पिक योर टीचर्स ब्रेन, क्योंकि तुम्हें आइडिया चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो तुम दूसरे के ब्रेन का सहारा ले सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो, पिक मतलब निकाल सकते हो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, बांटने से और बढ़ती है, पैसा नहीं है कि बटा और ख़त्म, एज फार एज एनी वन नोस। तो कई बार हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन idiom है, As far as I know, मतलब जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है मुझे ये पता है, जैसे अभी BBR ने बताया, बाकी का मुझे नहीं मालूम है। To the best of your knowledge, again same as far as you know. To the best of my information, to the best of my knowledge, to as far as I know, जितना मुझे जानकारी, जितना मुझे पता है। Doing your homework, ये सबको पता है, large collection of particular type of thing, जब आप कोई अपना काम करते हो और उसके ऊपर मेहनत करते हो। Bringing a knife to a gunfight. तो कई बार हम लोग unprepared होते हैं, अब भाई होने वाली वहाँ gunfight, तुम चाकू लेके खड़े हो, ठीक। अब आज की डेट में अगर बैटल चल रहा है तो क्या करें, तलवार निकाल के साफ करें, हाँ भाई तलवार चलो, नहीं तुम्हें तो गन लेके जाना, अब तो टैंक को सब चीज़ का जमाना है, तो वेल इक्विप्ड होना पड़ता है। इंग्लिश के पेपर का मतलब है idioms इस तरह के आ सकते हैं, अब तुम ABCD भी इंग्लिश होती है, मैं हमें ABCD आती, हम देंगे NDA पेपर, फेल हो जाओगे, क्यों, क्योंकि यू आर ब्रिंगिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट, तुम अंडर इक्विप्ड हो। स्मोकिंग गन, अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ अ क्राइम, तो अभी अभी आपने किसी को शूट किया है, तो शूट करने के बाद में वो गन में से थोड़ा स्मोक निकलता है, प्लस जो उसका बैरल होता है सब होता है, उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई किसने क्या वारदात की है,
अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ अ क्राइम, यानी ये एक क्लियर मतलब एविडेंस होता है किसी भी गुनाह का, जुर्म का। डेड आई, गुड मार्क्समैन, जो बिल्कुल बहुत अच्छे से शूट करता है, जिसको शूटर कहा जाता है, शार्प शूटर, दैट्स अ डेड आई। एंड स्ट्रेट और एरो, एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, जो ऑनेस्ट होता है। तो रिमेंबर, आपकी फैमिली आपको क्रिटिसाइज करती है, बट दोज आर द पीपल, योर मदर एंड फादर आर स्ट्रेट एरोज इन योर लाइफ, वही हैं जिन पे तुम पूरी तरह भरोसा कर सकते हो। एंड फॉल ऑन वन सॉर्ड टू एक्सेप्ट ब्लेम टू सैक्रिफाइस वन सेल्फ, स्वयं अपनी सॉर्ड पे खुद ही गिर जाना, यानी दूसरे के लिए अपने को सैक्रिफाइस कर देना, बलिदान दे देना, बहुत ही मूर्खता वाले काम होते हैं वैसे। ठीक है भाई, तू ले जा तेरा प्यार, मैं बलिदान दे रहा हूँ, ये सब फालतू वाली चीज़ें, यही होता है। गो न्यूक्लियर, यूज एन एक्सट्रीम मेजर बिकॉज एक्सट्रीमली एंग्री, तो भाई लड़ो, हाथ पैर से लड़ लो, मुंह से लड़ लो, ठीक, जो तलवार अलवार निकाल ली, अब तुम तो भैया न्यूक्लियर वॉर पे चले आए। एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम मेजर्स एंड सॉर्ट ऑफ डैमोसल्स, समथिंग दैट कॉजेज अ फीलिंग ऑफ कॉन्स्टेंट थ्रेट। नाउ ये अगेन जैसे एकल्स हील था का, उसी तरह डैमोसल्स, ये एक ग्रीक कैरेक्टर है और कहा जाता है कि इसकी सॉर्ड इतनी मजबूत थी, इतनी अच्छी थी कि किसी को भी मार सकता था, तो सब इससे डरते थे। तो सॉर्ड ऑफ डैमोसल्स, ये वही स्कूल का कॉलेज का बुली होता है जिससे सब थर्राता है, अरे यार इससे पंगा कौन ले ले, कॉन्स्टेंट थ्रेट। जंप द गन, स्टार्ट डूइंग समथिंग टू सून, तो भाई अभी गोली निकली भी नहीं, तुम लगे कूदने, हाँ अभी तो एनडीए का पेपर आया भी नहीं, ठीक भाई लोगों ने, अरे देखो पेपर आउट हो गया, जंप द गन टू सून, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट द नाइफ डीपर, मेक समवन सफरिंग वर्स। तो कई बार जीवन में ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ में कि भैया सामने वाला हमें और तड़पाने की कोशिश कर रहा है, और मतलब तंग कर रहा है, वही होता है ना कि भैया घाव तो है, उसके ऊपर कोई नमक छिड़के जा रहा है, ट्विस्ट द नाइफ डीपर, तो छुरा तो भोंका ही हुआ है, अब उसको और घुमा रहे हैं, और घुमा रहे हैं, सोचो कितना दर्द में तड़प जाए आदमी। देर आर पीपल लाइक दिस, दे विल स्टैब इन द बैक एंड देन दे विल ट्विस्ट द नाइफ डीपर, हैव अ स्क्रू लूज, भैया नट बोल्ट घूम गया, नट गिर गया, नट घूम गया, ये वही वाला है पागल, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद, जिसमें डिसऑनेस्ट मींस भी होते हैं, ये मत करना, बाय हुक और बाय क्रूक एग्जाम पास नहीं किया जा सकता, सिर्फ मेहनत से किया जा सकता है। चॉप चॉप, क्विकली विदाउट डिले, फटाफट 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 करिए, वो होता है चॉप चॉप। एंड ग्रीस मंकी, ये कहते हैं उन लोगों को जो मैकेनिकल वर्क करते हैं, स्पेशली ऑयल वगैरह के साथ में, जितने भी मैकेनिक सेगमेंट के लोग होते हैं, जैसे ब्लू कॉलर्ड होते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, पिंक कॉलर्ड जॉब्स होते हैं जो ज़्यादातर फीमेल्स करती, वाइट कॉलर्ड होते हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड वाइट कॉलर्ड होते हैं जो ऑफिशिएटिंग जॉब्स होते हैं, ऑफिसर रैंक के, वो वाइट कॉलर्ड होते हैं, ब्लू वाले होते हैं जिसमें आप थोड़ा मीनियल करते हैं, उसी तरह ग्रीस मंकी जो मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, खासतौर पे ऑटो वगैरह, जहाँ पे जो जितने भी इस तरह के काम होते हैं जहाँ पे ऑयल वगैरह का इस्तेमाल हो, वो होता है ग्रीस मंकी। एंड ग्रीस द व्हील, डू समथिंग टू मेक एन ऑपरेशन रन स्मूथली, ग्रीस द व्हील्स कई बार ब्राइब के लिए भी इस्तेमाल होता है, ब्राइब मतलब ग्रीजिंग द पाम बोलते हैं, ब्राइब मतलब होता है जब किसी को पैसा दिया जाता है कोई कार्य करने के लिए, कई बार आप लोग पेरेंट्स को भी कर रहे होते हैं, मक्खन लगाना, ग्रीस द व्हील्स, होल्ड द फोन, होल्ड द फोन सबको पता है, एक मोमेंट के लिए वेट करना, नट्स एंड बोल्ट्स, डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, तो भाई तुम्हें नट के भी बारे में पता है, बोल्ट्स के बारे में भी पता है, यानी तुम्हें सारी डिटेल पता है किसी भी चीज़ के बारे में। एंड पुल द प्लग ऑन, पुल द प्लग ऑन, पुल द प्लग ऑफ, ऑफ भी कई बार यूज होता है, यानी किसी भी प्रोसेस को ख़त्म करना। रन इन टू अ बस सॉ, एनकाउंटर सिवियर प्रॉब्लम, बस सॉ मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वाली आरी होती है, अब तुम उसी में रन इन टू कर गए तो सोचो क्या होगा तुम्हारा, दो भाग में कट गए,
तो यानी जब कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स अचानक आ जाती, जैसे अभी एक आ गई कि वे बाहर पेपर बेकरा, लोग खरीद भी लेंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे जो मूर्ख बन जाएंगे, सामने वाला पैसा कमाएगा और वो बेचारे बच्चे फेल हो जाएंगे. द होल नाइन यार्ड्स, द एंटायर अमाउंट, एवरी थिंग, सब कुछ के लिए होता है द होल नाइन यार्ड्स. सारा कुछ कराएंगे इंग्लिश में, द होल नाइन यार्ड्स. अ कट अबव, बेटर देन द रेस्ट, वी आर अ कट अबव एंड अ गुड डील टू अ लार्ज एक्सटेंट. टू अ गुड डील वी विल ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग फॉर यू. And 110%, I'm not giving my 100%, I'm giving you 110%. I am only a stone's throw away from you. Bahut short distance hai hamare aapke beech mein. And it's a tall order, I know. When I make these promises, it's a tall order. Aaya hua question hai. It's a difficult task, but we will achieve it through our all-nighter. Among the lines of, in general accordance with, in the same direction. Along the lines of, yani jo path pe aap chal rahe hain, usi pe dusra bhi same direction mein chal raha hai. Move the needle, yani ab kuch na kuch kaarya karo, yani bhai ab silna shuru karo, yani kaarya shuru karna. On the dot, exact time pe, exactly at an interval, exact time. Bag of hammers, stupid, oriented, unoriented towards illogical. बैग ऑफ हैमर्स, यानी हमें कोई कार्य करना है, सब कुछ उसमें डाल दिया, काम नहीं हो सकता, इलॉजिकल. पुट अ स्पैनर इन द वर्क, काम हो रहा है उसमें स्पैनर डाल दिया, ये तो पता चला रुक गया, कोई काम स्मूथली हो रहा है उसको रोक दिया, सैबोटाज. एन एक्स टू ग्राइंड, पाकिस्तान ऑलवेज हैज एन एक्स टू ग्राइंड विद अस, हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है, कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी है. एंड टाइटन द स्क्रू, अब भैया समय आ गया है टाइटन योर स्क्रू, नहीं तो माँ बाप करेंगे, टीचर करेंगे, आई विल टाइटन योर स्क्रू, प्रेशर डलेगा. थ्रो अ रेंच इज द सेम एज पुट अ स्पैनर थ्रो अ रेंच, साबोटाज करना, कोई स्मूथ काम चल रहा है उसको रोकने का प्रयास करना. बरी द हैचेट, चलो भैया अब अपने अपने डिफरेंसेस खत्म करें और पीस को करें. या मेंड रिलेशनशिप्स, तो मेंड द फेंसेस, बरी द हैचेट, सेम है. रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे, और ये याद रखिए, राई एकदम से पहाड़ नहीं खड़ा हो जाता है, बूंद बूंद करके सागर बनता है, ये वही है रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे. कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए धीरे धीरे एक एक स्टेप करके कार्य होता है. एंड शिट अ ब्रिक, बी एक्सट्रीमली फियरफुल. गो ऑफ द रील्स, बस बेटा आई विल बी कंप्लीटिंग. आप पे सुबह क्लास हो चुकी है एंड अभी सर लाइव लेंगे, तुरंत लेंगे, ठीक, सो दैट ही कैन टेल यू अबाउट ऑल द डिटेल्स. गो ऑफ द रेल्स, टू गो रॉन्ग, बिगिन स्ट्रेंजली, और कई बार गो ऑफ द रेल्स हम लोग कहते हैं क्योंकि रेल पटरी पे चल रही, अचानक इधर उधर हो गई, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया. थ्रो समवन अंडर द बस, अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे को बलिदान कर देना, अच्छा दूसरे के सर पे पैर रख के खड़े हो जाना. एंड हिट द रोड, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ये वही है बेटा, ये कभी ना करना चाहिए. इन द ड्राइवर्स सीट, इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई एम इन द ड्राइवर्स सीट, क्योंकि हम अब कंट्रोल में. इन द सेम बोट, तो मैम हमारा 12वीं है, हमारा BSc, इन द सेम बोट, एवरीबडी इज इन द सेम बोट, सबका कुछ ना कुछ इशू है, सबका प्रॉब्लम है. ट्रेन रैक, एनी थिंग विच टर्न्स डिजास्ट्रस, ट्रेन रैक सबको मालूम है, रैक मतलब जब बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है. जम्प द ट्रैक, टू शिफ्ट सडनली फ्रॉम वन लाइन ऑफ थॉट टू अनदर, जम्प द ट्रैक, ट्रैक पे चलना है, फिर इधर गए फिर उधर गए, फटाफट अपने थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करना. एंड रन अ टाइट शिप, मदर्स आर ट्राइंग टू रन अ टाइट शिप एट होम, ये भी मैनेज करो, वो भी मैनेज करो, कितना मैनेज करना पड़ता है माओं को, दे आर रनिंग अ टाइट शिप. एन ऑफ एस्ट्रॉली, जो कि तुम लोग हो जाते हो, पागल कर देते हो माँ को. टू फॉलो एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शन बाय द बुक, अकॉर्डिंग टू द बुक अगर चल रहे हो तो तुम बिल्कुल फॉलो कर रहे हो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को. अ मिलियन एंड वन मीन्स ढेर सारा, मैनी. टेक 5, 1 minute break, 5 minute rest period, short period of rest is take a 5, and high 5 is when you applaud, appreciate people, है ना, same उसमें. Be in 7th heaven,
बी ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट की पढ़ाई भैया अब भी कर लो, मौका है. जीरो ऑन फोकस, आप बिल्कुल यहाँ पे टारगेट सेट है हमारा, 6 feet अंडर, डेड एंड बरिड, काम खत्म, काम तमाम. 9 to 5 जॉब, रूटीन जॉब को कहते हैं. ऑन क्लाउड 9, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज द सेम. ब्लू मून, ही कम्स वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली कोल्ड लाइट ऑफ द डे, रियलिस्टिक rather than wishful perspective. Cold light of the day, है पता है ये realistic है, ये सच्चाई है, यही होता है. Time is money. Don't waste time, don't waste your money at all. And it's about time. भाई अब मौका है, अभी कर लीजिए. It's about time that you can do and achieve your goal. Ahead of the curve. जब हम लोग नई चीज़ devise करते हैं, innovate करते हैं, तो हम ahead होते हैं. Innovators के लिए ahead of the curve होता है. अराउंड द क्लॉक, और अब पढ़ाई करनी है अराउंड द क्लॉक, यानी सारे समय, एंड इन द निक ऑफ टाइम, लास्ट मोमेंट पे भी कभी कभी पढ़ के काम बन जाता है. इन द डार्क, डोंट स्टे इन द डार्क, डोंट रिमेन इन द डार्क फॉर ऑल दीज र्यूमर्स दैट आर देयर. एंड मंथ ऑफ संडे, अ लॉन्ग टाइम ऑफ मैनी मंथ्स, गो अलॉन्ग विद टू अग्री विद समबडी. फोर्थ स्टेट, मीडिया को हम लोग बोलते हैं चौथा स्तंभ, वही होता है फोर्थ स्टेट. गो डाउन इन फ्लेम्स, फेल, कंप्लीट फेलियर, ये कभी नहीं होना चाहिए. गेट द रन अराउंड, अनक्लियर आंसर, घुमा घुमा के रन अराउंड, मतलब घुमा घुमा के गोले में घुमाए पड़े हैं. ड्रॉ द लाइन, एक लिमिट सेट करिए अपनी पढ़ाई की और काम करिए. ड्राई रन, प्रैक्टिस करना है पूरे तरह, फुल टाइम प्रैक्टिस, तभी आप सक्सेस होंगे. एंड फॉलो समवंस फुटस्टेप्स, तो किसी के फुटस्टेप्स फॉलो करो तो सही आदमी के करो, गलत के करोगे तो गलत ही होगा. फ्लैश इन द पैन नहीं होना चाहिए, जो एक बार बस अकर करे उसके बाद गायब हो जाए, तो वही टूटता तारा, दिखता तो है बड़ा चमकदार, उसके बाद गायब हो जाता है. डू नॉट बी अ फ्लैश इन द पैन, कैरी द कैन. Sometimes we have to do this. Mothers carry the can. They take the blame. जो तुम लोगों ने पागलपन किया होता है वो अपने ऊपर ले लेती हैं ताकि तुम बच जाओ, तो carry the can. So here we complete this PDF. Last moment में थोड़ा सा fast step हुआ था because BBR अब आ रहे होंगे. Go and watch that. Listen to him very carefully और चीज़ों को समझिए. किसी के बहकावे में, छलावे में मत फंसिएगा. So see you all tomorrow. Time आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा किस टाइम पे होगा, बट अब इधर लाइव हमारे मॉर्निंग सेशन में ही होंगे. संडे को महा लाइव है, ये नहीं भूलेंगे.